नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जो है आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ Q60 मेटल डिटेक्टर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज करना है। और दोस्तों जो है मैंने इसका जो है पिछला वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग का, तो अगर आपने जो है वो वीडियो हमारा नहीं देख रखा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं कि आपको Q60 मेटल डिटेक्टर में क्या क्या चीज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि कैसे जो है Q60 मेटल डिटेक्टर यूज करना है और कैसे जो है अलग अलग मेटल को आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये बिल्कुल मतलब कि स्मॉल हो जाता है, आप कैरी करने में भी इजी है, ताकि जैसे कि अगर आप इसे चाहें तो एक छोटे से बैग में भी कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसे जो है बड़ा करता हूं तो कुछ इस तरह जो है आपको इसमें एक लॉक दिखेगा, लॉक को आपको ओपन करना होगा। उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपने लंबाई के हिसाब से जितना चाहें इस रॉड को जो है आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा लॉक है, दूसरे लॉक को भी आप ओपन करके आप अपने हिसाब से इसे जो है बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है ये इसमें जो ये होस्ट मशीन है, आप इसको भी जो है कुछ इस तरह जो है इसमें लॉक लगा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से जो है जहां पर आपको लगे कि ये मुझे जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसे भी आप अपने हिसाब से छोटा मतलब कि आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने जो है ये बिल्कुल इजी है, टेलीस्कोपिक रॉड होता है। तो चलते हैं दोस्तों जो है मैं आपको डिस्प्ले की तरफ लेकर के चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे आपको ऑपरेट करना है। हाँ तो दोस्तों फाइनली जो है मैं आपको डिस्प्ले की तरफ लेकर के आया हूँ और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कैसे आपको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये है, सबसे पहले जो है सेटिंग का बटन दिख रहा है, यहाँ से हम ऑन करेंगे। ठीक है, मशीन ऑन हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर मैं जो है कमरे के अंदर कोई भी मशीन यूज करता हूँ तो वहां पर मशीन ज्यादा साउंड करता है, क्योंकि आसपास एसी, बिजली, लाइट, पंखे ये सब रहते हैं, तो इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि हमें इस बटन को जो है दबाएंगे, इससे क्या होगा कि हमें पंप क्वाइल, हमें ग्राउंड बैलेंस सेट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर जमीन पर जाएंगे तो हमें पंप करना होता है ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या है कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं पार्क मोड पे है, तो पार्क मोड पे जाने के बाद जो है आपको थोड़ा सा इसको जो पंप कॉइल है इसको थोड़ा दबा कर रखेंगे तो ग्राउंड बैलेंस जो है बन जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जो है अभी पार्क मोड पे अगर मैं यूज करता हूँ, ये हमारे पास लोहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं लोहे को बिल्कुल जो है साउंड नहीं कर रहा है, लोहे को ऑफ कर दिया है। अगर इसी जगह पर मैं अगर दूसरा मेटल लगाता हूँ, ठीक है, जो कि तांबा है, तांबे को देख सकते हैं आप दोस्तों क्या सिग्नल डिस्प्ले पर शो हो रहा है। ये बॉटल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना परफेक्ट ट्यून दे रहा है। अगर मैं यहीं पे देख सकते हैं आप, कैची हो और साइड में पीतल लगा हुआ है, ठीक है, आयरन जो है पूरी तरह से ऑफ है ऑलरेडी। ये तो था दोस्तों पार्क का मोड। अगर मैं जो है अभी इसका जो है नेक्स्ट मोड पे जाता हूँ, जो कि फील्ड का मोड है, आप देख सकते हैं, तो फील्ड का भी मोड में हमें जो है क्या है कि पंप कॉइल करना होगा। ठीक है, ताकि मशीन जो है ज्यादा आवाज के लिए थोड़ा सा इसे कम कर सके। ये देखिए लोहा है, पार्क का मोड है। ठीक है दोस्तों, पार्क के मोड पे इसे कर रहा है। ठीक है, ओके, हर एक मेटल को जो है आप टारगेट आईडी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है। ये तो था दोस्तों जो है फील्ड का मोड था और ये टारगेट आईडी चलता रहता है। उसके बाद अगर जो है आप नदी किनारे सर्च कर रहे हैं या आपके यहाँ गीली मिट्टी है, बारिश हो गई है, तो आप बीच वाले मोड पे जो है जाकर के आप मशीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बीच हंटिंग पर जो है जैसे लोहा लगाता हूँ तो लोहे को जो है मशीन बिल्कुल जो है साउंड नहीं करेगा, और जहां पे अदर मेटल मिलता है वहां पे जैसे कि नॉन फेरस कोर मेटल होगा तो उसका साउंड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं अगर लोहा मैं लगाता हूँ तो लोहे को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। जैसे कि मैं अदर लोहा भी लगाता हूँ, जैसे ये है स्टेपलर है, मैं इसको देखता हूँ, इस पे आवाज करता है नहीं करता, देख सकते हैं आप दोस्तों बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है, तो लोहे को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। ठीक है, ये तो था दोस्तों जो है बीच का मोड था। अगर मैं इसी जगह पे जो है, इसमें दो डबल डबल मोड होता है, एक और दो मोड होता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए होता है।
ये देखिए इस साइड देखिए दोस्तों, ये नॉन फेरस है, यानी कि आपको यहाँ पे पीतल लगा हुआ दिख रहा है, कैची है, लोहा की तरफ अगर मैं लगाता हूँ लोहे को सर्च बिल्कुल नहीं करता, नॉन फेरस मेटल को करेगा। अब मैं इसका नेक्स्ट मोड देख लेता हूँ, जैसे ए यू, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है गोल्ड का फंक्शन है। अब गोल्ड का फंक्शन पे देखिए आप दोस्तों, जैसे कि ये लोहा है, इसको मतलब होता है आल मेटल, ठीक है दोस्तों। अब आल मेटल तो क्या है, सबका ट्यून एक ही जैसा आएगा। ये देखिए, ये होता है जैसे कि पहाड़ी एरिया जहाँ पे पथरीली एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों, तो वहां के लिए ये मोड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो ऐसा सिग्नल आएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैं जो है इसका जो लास्ट मोड है कैच का होता है, जैसे कि मैं अभी कैच वाले मोड पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैच के मोड पे आ गया हूँ। अब थोड़ा सा जो है क्वाइल को, जो ये क्वाइल होता है उसको हमें ग्राउंड बैलेंस सेट करना होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कैच के मोड में कैसा साउंड करता है, ठीक है, ये होता है कैच का फंक्शन है, लोहे में बिल्कुल साउंड नहीं करेगा, ठीक है। तो देखा दोस्तों, इसमें ज्यादा कोई खास फंक्शन नहीं होता है, यहाँ से पिन पॉइंट का ऑप्शन होता है, पिन पॉइंट दबा करके जैसे एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको पता करना हो कि मेटल किस जगह पे है, तो पिन पॉइंट हम दबा करके रखेंगे, ऐसा साउंड करेगा, ठीक है, ये होता है पिन पॉइंट का मोड, ठीक है दोस्तों। और ये है अप एंड डाउन का फंक्शन होता है, जहाँ से आप सेंसिटिविटी चाहें तो आप जो है अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे अगर आप सेंसिटिविटी जो है आप कम करते हैं तो आपको डेप्थ भी कम मिलेगा, अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप घर के अंदर यूज करते हैं मशीन को तो जो है सेंसिटिविटी थोड़ा आपको कम रखनी होगी, ओके। तो ये काफ़ी मतलब कि अपग्रेड मॉडल है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बैटरी भी शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस इसका ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहें डिस्प्ले बंद कर सकते हैं, चाहें तो आप जला सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस हेडफोन होता है जो वो, और यहाँ से जो है साउंड को आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी दोस्तों, ठीक है, ऑफ हो गया मशीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मैग्नेटिक चार्जर का, इसमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हेडफोन आप लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको अगर आपको छोटा करना है तो आप जल्दबाजी से आप आसानी से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखा दोस्तों, बिल्कुल छोटा हो गया। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो है नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो है हमेशा मैं नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ मेटल डिटेक्टर मशीनों का, तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।